तो आज का ये जो वीडियो है ये जेएससी एग्ज़ाम सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसी का पीडीएफ, ये उसी का क्वेश्चन है। तो ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, चौकीदार का फॉर्म भरे हैं, या फिर इस बार जो करंट में रनिंग हुआ था कांस्टेबल का, और उसमें झारखंड से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लगभग 30 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर सारे सारे आपको पीडीएफ में टेलीग्राम में मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सीजीएल एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये 22 तारीख का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला नंबर ऊपर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 79, 80, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 81 से यहाँ पर जीकेजीएस झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 81 का क्वेश्चन है, सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डालकिए भारत फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये जो जितने भी यहाँ पर हाइलाइटेड किए हैं ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे, और ये इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। झारखंड के जागुन सिंह सोई पद्म श्री से सम्मानित के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इस यहाँ पे 84 में कथन दिया हुआ है, तो आपका ए और बी दोनों कथन सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोला और मांझी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 32वें इन्फेक्ट्री रेजिमेंट। 87 का आंसर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डाल्टन। नेक्स्ट हम पीडीएफ यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 87 था, ये 88 है। ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में कौन सा स्थान मंदिर के गाँव के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलुटी। मलुटी आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 89 का है, छोटा नागपुर 29 समाज द्वारा 1915 में कौन सी प्रकाशित की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आदिवासी। 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित जिले से होकर गुजरेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विलिंगसन। चंद और भैरव किन युद्ध में शहीद हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बरहेट, सी नंबर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 16 अप्रैल 1858। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सफा हौद विद्रोह। नेक्स्ट यहाँ पर है, आदिवासी लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजाति के निर्देशन के लिए किस समिति का सी ने सिफारिश की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकुर समिति, 96 का ए नंबर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। 97 ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पर 98 क्वेश्चन है, 98 नंबर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 42वें में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना किस संगठन के तर्ज पर की गई थी? तो ये क्वेश्चन डाउट में था, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं के विचार करें, तो यहाँ पर कौन सा घटना है? तो इसमें भी कोई सही मतलब नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन हम छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा चिक बराइक।
तो ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जनक्रांति की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, सी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें, तो आपका सही आंसर हो जाएगा थ्री नंबर, इसे 2021 में GI टैग मिला। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सफा होड़ आंदोलन, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पेज देख लेते हैं 105, जोहार का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ हिंदी से है और यहाँ इंग्लिश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो ये जोहार का फुल फॉर्म है। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा UNDP, यूनेस्को द्वारा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खुले जंगल में, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 109 का है, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान है? तो आपका सही मिलान कौन सा नहीं है? तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा गलत है, तो आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111, वन अधिकारी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 112, निम्नलिखित में कथनों का विचार करें, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वन और टू, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ये आपका लगभग एक और है, ये आपका 112 था, 113 ये लास्ट पेज है, ये आपका लास्ट पेज है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर लिखा हुआ है 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राज्य अधिवेश GSDP के कितने प्रतिशत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3.2%। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। 115 में है पंचायत एक्सटेंशन टू सेचुडुअल एरियाज, ये फुल फॉर्म दिया हुआ है PESA, अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भूरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 116, भारत आदिम जनजाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने कहाँ की थी या कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली में ये स्थित है। 117 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रांची में जयपाल सिंह मुंडा एसोट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का क्या नाम था? तो शुभंकर क्या था? जूही। 118 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 80 से अधिक प्रजातियां वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा औरा मांझी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, झारखंड के 24 जिले में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये लास्ट है आपका, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कंप्यूटर का और सेंट्रल लेवल GKGS और ये स्टेट लेवल था GKGS झारखंड से रिलेटेड, और रीजनिंग का भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं कि CGL का पेपर का किस लेवल तक बनता है, और ये झारखंड के तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर चौकीदार का फॉर्म भरे हैं या फिर कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसे डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं।